जी हम यहाँ पे मौजूद हैं लेडी गार्डन एपटाबाद में। अभी हम एक दोस्त से मिले हैं, इनसे सवाल करते हैं कि जी आप ये बताएं पाकिस्तान के पहले वज़ीर-ए-आज़म का नाम क्या था? पाकिस्तान के पहले हम पैदा नहीं हुए तो अभी क्या पता। पाकिस्तान तो पैदा हो चुका था ना, उसके बारे में नहीं पता। अच्छा पाकिस्तान के पहले सदर का नाम क्या था? सदर का नाम उसके भी नहीं पता। पाकिस्तान के पहले का नहीं पता, अभी बाद में जो है आजकल जो वज़ीर आज़म उसका नाम क्या है? शहबाज शरीफ। और सदर का? सदर का भी नहीं पता। आरिफ अलवी। और ये जो आपके साथ दोस्त खड़ा है इसका नाम क्या है? ये बड़ा कमीने इतनी तारीफ ना करें, इतनी तारीफ करें। तारीफ तो इसकी कर रहा हूँ। उस दिन आया है ना मेरा दोस्त आते, मैंने गाड़ी खड़ी की है, मुझे बोलता है यार कि तुम लोग दोबारा हो तुम्हारी। अच्छा मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म का नाम क्या है? सर ये अभी तो स्टन नहीं बता। अच्छा सदर का नाम बता दें। अच्छा वक्त को इनको में क्या कहते हैं? ये वक्त को इनको में क्या कहते हैं? वक्त को इनको में क्या कहते हैं? टाइम कहते हैं। टाइम तो इंग्लिश का लफ्ज़ है। टाइम तो उर्दू में इनको भी कहते हैं। नमस्ते। तो एक बड़ा मज़े का लफ्ज़ है। मेरा चैनल आप सब्सक्राइब कीजिएगा, इस पर आपको मैं बताऊंगा इसको वक्त को इनको में क्या कहते हैं। ठीक है ठीक है। आपका नाम? रफीक। अच्छा आपको जो सवाल मैंने अभी उनसे किए हैं कि पहले वज़ीर आज़म का नाम, पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म। ज़बरदस्त जी, इनके लिए क्लैपिंग होनी चाहिए जी। बिल्कुल ठीक बताया। अच्छा पाकिस्तान के पहले सदर का नाम? नहीं मालूम। कायदे आज़म मोहम्मद अली जना। अच्छा अब जो दूसरा सवाल है, टाइम को हिंको में क्या कहते हैं? वेला। वेला तो पंजाबी ज़बान का लफ्ज़ है। ये आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, इंशाल्लाह मैं आपको आखिर में बताऊंगा। ठीक है साहब। पाकिस्तान के अच्छा थोड़ा तो आपकी तरफ उनकी तरफ रहना है जी, जी, जी। हम लोग तो भूल ही गए। ठीक है तो हम आपसे सवाल करते हैं कि जो आखिरी वज़ीर आज़म है पाकिस्तान के, आखिरी वज़ीर आज़म, हाँ उनका नाम क्या है? शहबाज शरीफ है। तालियां जी। और हमारे जो पहले सदर हैं उनका नाम? पहले पाकिस्तान को जो हमारे सदर थे उसका नाम है लियाकत है मेरे ख्याल से। लियाकत अली खान जी। जवाब आपका गलत। नहीं सॉरी अयूब खान है जी। ये भी जवाब आपका गलत हुआ। ये भी गलत है। चले इनको समझते हैं, इनको बस समझ आती है, अल्हम्दुलिल्लाह समझ आती है, बोल भी सकते हैं। हाँ बोल भी सकते हैं। अच्छा चले आप मुझे ये बताएं कि हिंदकों में अचानक को क्या कहते हैं? अचानक को, अचानक इनको का अचानक मतलब, अचानक मतलब सडनली। सडनली हाँ। इनको में क्या कहते हैं? इनको में, ये इनको में नहीं बताए। चले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, चलो उस पर आप इंशाल्लाह आपको इसका जवाब मिलेगा। पाकिस्तान के कुछ सवाल कर सकता हूँ ना जी? बिस्मिल्लाह। पाकिस्तान के जो हमारे KPK के जो वज़ीर आला हैं उनका नाम क्या है? महमूद अचकज़ई। ज़बरदस्त तालियाँ। अच्छा उसके बाद अब दूसरा सवाल आपसे करेंगे कि पहले वज़ीर आज़म का नाम क्या है पाकिस्तान के? सोहरावर्दी। पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म का नाम? सोहरावर्दी। यही है जी? ये तो कह रहे हैं नहीं है सोहरावर्दी। अच्छा चले आगे ये हम आखिर में आपको बताएंगे। अच्छा सॉरी। ठीक है ये हम आखिर में बताने वाले थे, उन्होंने पहले इशारा कर दिया। अच्छा पाकिस्तान के पहले सदर का नाम? पाकिस्तान के पहले सदर ए बारी पता कर दो ये होया, बल्कि अयूब खान तो बाद जड़े है ना पहले सदर ए, इस एग्जैक्टली वो नहीं पता। गवर्नर जनरल? कायदे आज़म। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। बिल्कुल जी। कोई सवाल में हमसे आपसे कहते हैं कि जी वक्त को इनको में क्या कहते हैं? वेला। वेला तो पंजाबी ज़बान का लफ्ज़ है ना जी। वेला अपनी ज़बान में तो भी है। इनको तो लफ्ज़ के टाइम होया के वेलो है वो वेला पंजाबी है। अच्छा तुसी ये दसो अचानक अंग क्या हफ्ते में? अचानक नहीं पता।
जी आपका नाम? एबरार हुसैन शाह नाम है। शाह साहब, सबसे पहले मैं आपसे सवाल करता हूँ। अच्छा, सदर का पूछते हैं जी, पाकिस्तान के पहले सदर का नाम क्या है? पाकिस्तान के सदर जो ना ना उसका समय में बाद भी दसदा। पहली गल तो यह है कि 1947 से 1956 तक ठीक है गवर्नर राज ऐसा कोई सदर दा उसका ठीक है जी इस तरह को। हाँ ठीक, पहले गवर्नर जनरल कौन है? नहीं पता जी। कायदे आजम कौन है? कायदे आजम पाकिस्तान के बानी हुंदे जी। गवर्नर जनरल पहले हुई है। अच्छा, दूसरा सवाल तुसां ते वे कि पहले वजीर आजम का नाम क्या? पहले जाकिर अली खान। जबरदस्त जबरदस्त, तालियां जी। अच्छा, अब तीसरा सवाल तुसां ते वे कि इनको बिच अचानक के आखसा एकदम अचानक एकदम अचानक ही हो गया एकदम एकदम है एक ना जी ना ही नहीं जी। अच्छा, तुम मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सो तो इस वे गैबी भी नहीं ना भी काम हो गया। अच्छा, वक्त अंग्रेज इनको भी क्या आखसा वक्त टाइम इस चीज इनको के वक्त टाइम को वक्त ये हूँ मैं इन्होंने लफ्ज यूज किया है वक्त सैती में जान गए जने सुनो सुना जोड़ा है काम ला छोड़ा है सैती हाँ काम ला जुड़िया बिल्कुल हाँ अचानक बिल्कुल ज्यादा ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, आखिरी सवाल है तुसाते के मौजूदा वजीर आजम का नाम क्या? मौजूदा वजीर आजम शहबाज शरीफ। तो मौजूदा सदर का नाम क्या? यार इसका नाम तो मुकवा दे लगे हैं बड़ा बेहतरीन ना है जहन भी नहीं आ रहा आरफ अलवी मूड है तुसा भी है तो मेरा भी है वे। तो आखिरी सवाल है वे के पी के का जो वजीर आल है उसका क्या नाम है? महमूद महमूद वजीर आला महमूद अली इस तरह इसका नाम मोहम्मद महमूद या इस तरह अद्धा जवाब इन्होंने दुरुस्त हो पूरा नाम जहन में निकल गया लगे महमूद खान जी महमूद खान चिक सही बड़ी मेहरबानी। रियाज साहब तुम कुछ सवाल करने जवाब दसो पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल का नाम क्या है? नहीं पता। अच्छा, दूसरा सवाल है वे पाकिस्तान बनया कदों है? 1947। कोई डेट भी याद है जी? डेट भी कोई याद है? डेट नहीं, 1947 सन 1947 याद है। 14 अगस्त 1947 याद आ गई है। अच्छा, दूसरा सवाल है वे पाकिस्तान के पहले वजीर आजम का क्या नाम है? पहले वजीर आजम भट्टो साहब। बटू साहब का आखते जी ठीक है ना जी ठीक आखते नहीं ठीक। अच्छा, दूसरा तीसरा सवाल है वे कि इनको तो आती है ना इनको तो बोल कहते हो अचानक इनको भी क्या आखते अचानक अचानक वो सुनते कैंतली आखते हैं चैनक ना चैनक ना अचानक उर्दू का लफ्ज़ है अचानक अचानक उर्दू का लफ्ज़ है अचानक अचानक सडनली इनको के वे? इनको ऑन मतलब हो गया अचानक अचानक ऑन हो गया इस तरह नहीं पता। चलो एक आखिरी सवाल तो सौंदे करने हैं कि टाइम दी इनको के वे? टाइम टाइम दी टाइम टाइम ही है बस यही आखते हैं कि टाइम हो गया इस इनको के वे? इनको उसी आखने पंजाबी का लफ्ज़ है वेला के वेला जी इस तरह इनको का लफ्ज़ है टाइम उस अंग्रेजी का लफ्ज़ है जी टाइम से अंग्रेजी का लफ्ज़ है बहुत ज़्यादा खो गए हो तुसी सैती बिच सैत होंगी है वाहिद साहब। वाहिद साहब मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल का नाम क्या था? लियाकत अली खान। वो तो वजीर आजम थे उसके नहीं पता मुझे पहले का नहीं पता। पाकिस्तान बनाया किसने था? कैदी आजम मोहम्मद अली। तो पहले गवर्नर जनरल कौन हुए? कैदी आजम मोहम्मद अली। याद आ गए सभी। अच्छा, अब अगला सवाल ये है कि पाकिस्तान कब बना था? पाकिस्तान 1947 में। 1965 में नहीं बना था जी? 1965 में नहीं नहीं 1965 में नहीं बना 1947 में। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे पूछते हैं कि सवाल आखिरी ये है कि आप कौन से सूबे से हो? सूबे सिंध से हम। सिंध के जो इस वक्त तो वज़ीर आला हैं उनका नाम क्या है?
वजीर आला सिंध के? हाँ जी। अरे ये मैं भूल गया, शाह साहब नहीं है? शाह भूल गया मैं, ये भूल गया जी। पहले जो इस वक्त सिंध के वजीर आला हैं, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, उसमें आपको जवाब मिलेगा। शाहिद साहब, शाहिद साहब आपसे कुछ सवाल करूं, जवाब देंगे जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल उनका नाम क्या है? मुशरफ था मेरे ख्याल, पहले मुशरफ थे। चलें जी, इनका जवाब नहीं पता आपको। अच्छा, दूसरा जवाब, दूसरा सवाल, पाकिस्तान के मौजूदा वज़ीर आज़म का नाम बताएं। उसको भी नाम मुझे नहीं आता बस। पाकिस्तान के मौजूदा वज़ीर आज़म का नाम? नवाज शरीफ साहब। नवाज शरीफ साहब, तालियां। आपने गलत बताया। अच्छा, तीसरा सवाल, वो ये आसान सा सवाल करें या मुश्किल होना चाहिए? आसान सा सवाल करें, पहला कलमा सुना दें। कलमा तो यह तो इन्होंने पाक, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेहतरीन जी, बेहतरीन। जावेद खान। जावेद साहब, सवाल आपसे कर सकते हैं? बिल्कुल। आसान करें या मुश्किल? बस जैसे आपकी मर्जी करो। अच्छा, मुझे ये बताएं 1965 में क्या हुआ था? जंग हुआ था जी, इंडिया ने हमला किया था, इंडिया ने शिकस्त दिया था। अच्छा, एक बड़ा सवाल था। अब दूसरा सवाल आपसे ये है कि पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म का नाम? पहले वज़ीर आज़म का नाम तो एक मिनट छोड़। अब आप ये बताएं कि आपके जो सूबा है, सूबा केपी के, इसके वज़ीर आला का नाम क्या है? महमूद खान। महमूद खान जी, मेरा नाम अब्दुल गफूर है। अब्दुल गफूर साहब, अब्दुल गफूर साहब, आप मुझे ये बताएं पाकिस्तान के पहले जो वज़ीर आज़म थे उनका नाम क्या था? पाकिस्तान का पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली खान। ज़बरदस्त जी, इन्होंने सही जवाब दिया। अब दूसरा सवाल यह, पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल का नाम क्या था? पहले गवर्नर जनरल, इसका मुझे कंफर्म। पाकिस्तान बनाया किसने था? कायदे आज़म ने। तो पहले गवर्नर जनरल कौन हुए? कायदे आज़म ही हो गए। अब तो यही कह रहा हूँ ना। मैंने सोचा कि और। अच्छा अच्छा, यूँ करें, अब आप ये बताएं, वो कहते हैं जी नज़दीक हो जाएं, अब आप मुझे ये बताएं कि जो केपीके के वज़ीर आला हैं उनका नाम क्या है? तो केपीके के वज़ीर आला सीएम साहब हमारा महमूद खान साहब है। ज़बरदस्त जी, और आपके जो इलाके के जो एमपीए हैं या एमएनए का नाम बताएं। एमएनए तो हमारा इस वक्त अफरीन है। अफरीन, पूरा नाम बताएं ना। मलक अफरीन। मलक अफरीन साहब, यही हैं जी। अच्छा, वाहिद, वाहिद शाह, शाहीन, शाहीन, शाहीन अफरीदी की तरह हैं जी। बॉल क्रिकेट खेलते हैं? नहीं जी, क्रिकेट नहीं खेलते। कौन सी गेम शौक से खेलते हैं? सर जी मैं तो खेलते हैं, बस शौक नहीं है गेम की। गेम खेलते नहीं, मोबाइल भी खेल लिया करें? मोबाइल पे लूडो खेलते हैं। मोबाइल पे लूडो खेलते हैं। चैम्पियन तो नहीं है? नहीं यार। अच्छा चलें, हम आपसे सवाल करते हैं जी कि पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल का नाम बताएं। गवर्नर जनरल यहिया, आई थिंक। गलत हुआ जवाब। अच्छा, अब ये बताएं, अब ये बताएं कि पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म का नाम? वज़ीर आज़म लियाकत अली खान। ज़बरदस्त जी, ज़बरदस्त, एक्यूरेट। अब तीसरा सवाल आपके ऊपर ये आ गया कि आप कौन से सूबे से हो? मैं केपीके से। केपीके से हैं। केपीके के जो वज़ीर आज़म हैं उनका नाम, वज़ीर आला जो हैं? महमूद खान जी। ज़बरदस्त, ये भी ठीक बताया। अच्छा, आपका नाम? अब्दुल वासे मुगल। अब्दुल वासे, अब्दुल वासे, आप यूँ करें, आपसे कुछ पूछूँ, जवाब देंगे? नाम नहीं लूँगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा चलें, आप ये बताएं पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल का नाम? कायदे आज़म। ज़बरदस्त जी, अब दूसरा सवाल आपसे यह है कि पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म का नाम? लियाकत अली खान। ये भी एक्यूरेट, मेरे ख्याल में आप मेरा प्रोग्राम देख रहे थे। नहीं। अच्छा, मुझे ये बताएं, कोई अच्छा सा गाना सुनाएं। गाना? हाँ। गाना नहीं आता। नहीं आता, शेर सुना दें। शेर भी नहीं आता माशाल्लाह, इनको दोनों चीज़ें नहीं आती। बहरहाल, अब हम आपसे पूछते हैं
कि आप आज़ाद कश्मीर से हो, आज़ाद कश्मीर की जो सबसे प्यारी चीज़ है खाना है तो वो कौन सा है? गोश्ताबा। कैसा होता है? बहुत आदा मज़े का होता है। बहुत मज़े खुद ही खाते हैं, किसी को देते थोड़े ही हैं। अच्छा अब सवाल इनको भी आप थोड़ा सा करते हैं, जवाब देंगे? नहीं। अच्छा मुझे ये बताएं कि अचानक की हिंद को क्या है? अचानक? अचानक, अचानक ही कहते हैं हम। ये तो उर्दू का लफ्ज है, हम तो अचानक ही कहते हैं, लेकिन इसका एक इनको वर्ड है। नहीं ये मुझे अच्छा नहीं, ये इनको नहीं आता। अब आप ये बताएं वक्त की हिंद को क्या है? वक्त, ये भी मुझे नहीं आता, हम वक्त ही बोलते हैं। हाँ वक्त ही बोलते हैं। टाइम क्यों है? वेला क्यों है? वेला बोलते हैं। वेला तो पंजाबी का लफ्ज है ना। वेला भी बोलते हैं ये, और इनको हम यही बोलते हैं। शायद घड़ी भी नहीं कहीं बंदे को जो जुलता घड़ी। चले जवाब मैंने दे दिए, लेकिन हम बाद में जवाब आपको दिखाएंगे बताएंगे। आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर करना। आपका नाम? अहमद हुसैन नाम है। अच्छा मुझे ये बताएं पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल जो हैं उनका नाम क्या है? कायद आज़म। अच्छा अच्छा। और पहले वज़ीर आज़म? लियाकत अली खान। जी तो सादा ना के भी? अब्दुल मोइस। अच्छा मैं दसो वक्त है इंग्लिश इनको भी क्या? वक्त है कुछ वक्त ही आते टाइम आते ये नहीं आते गलत जवाब है। अच्छा ये दसो अचानक हाँ इनको भी क्या आते हैं? नसापा। पाकिस्तान के पहले जो सदर हैं उनका नाम क्या है? सदर अयूब खान। ना जी गलत। अच्छा पाकिस्तान के जो गवर्नर जनरल हैं पहले उनके? कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है जी। पहले वज़ीर आज़म का नाम? वज़ीर आज़म मेरा जी सही नहीं आती, कन्फ्यूजन होती कन्फ्यूजन होती इसे। ठीक हो गया। चले चले आपका नाम? उस्मान दौर सर। और आप? जवाद अहमद। जवाद साहब इनको समझते हैं? जी जी जी। वज़ीर आज़म का नाम बताएं? नो आइडिया सर, इतने लियाकत अली खान। ज़बरदस्त सही जवाब दिया। अब दूसरा सवाल आपसे ये है कि पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल का नाम? मोहम्मद ज़ियाउल्लाह। मोहम्मद ज़ियाउल्लाह। ज़बरदस्त गलत बताया आपने। ठीक है जी। और तीसरा सवाल आपसे ये है कि इंदको में जी जी अचानक को क्या कहते हैं? एकदम 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 एक ही कहते हैं। अरे एकदम वक्त को इंदको में क्या कहते हैं? वेला। ये तो पंजाबी का लफ्ज है। छठ छठ खान। कोई नहीं जी छठ तो नहीं होती जिस पे का बंद है ना नहीं पता के पी के बेचो जी के पी के दे पहल जड़े असन दे मौजूदा वजीर आला ने उन्होंने के नाम है वजीर आला जी। आपका नाम? आदिल नाम है मेरा सर। और आपका? अदनान। अच्छा मुझे ये बताएं कि जो पाकिस्तान के पहले सदर थे उनका नाम क्या है? पाकिस्तान का पहले सदर ज़ियाउल्लाह। अच्छा जो पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म का नाम? पहले वज़ीर आज़म का नाम जनरल ज़ियाउल्लाह। सही है। और इनको बोल लेते हैं? नहीं सर नहीं बोलते। अच्छा कौन से इलाके के? सर पेशावर के। पेशावर के पी के में? अच्छा जो के पी के वज़ीर आला हैं उनका नाम? महमूद खान। ठीक जी। ना के भी तो सर मुनीब मलिक। अच्छा ये दसो के वक्त बे इनको भी क्या आते हैं? वक्त टाइम टाइम नहीं आते ते अंग्रेजी भी क्या आते हैं? अंग्रेजी भी टाइम टाइम एक ही आ गया। अच्छा ये दसो के अचानक का क्या आते हैं? अचानक का है इंग्लिश भी है इनको भी इनको भी दस्ती दस्ती। अच्छा सही है। अच्छा ये दसो के जड़ा मौजूदा वक्त है इस दे जड़ा सदा सूबा है के पी के सवाल दे फौज आती आप रिटायर्ड हो गए जी। आपका नाम? मेरा नाम महफूजुल्लाह है। अच्छा मुझे ये बताएं जो पाकिस्तान के पहले सदर हैं उनका नाम क्या है? पहले सदर का नाम सदर का तो मुझे नहीं पता। वज़ीर आज़म? पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली खान। कौन से इलाके के हैं? मैं गिलगित बल्तिस्तान।
ठीक जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद सैफुल्ला। सैफ साहब, आप ये बताएं, कुछ सवाल कर सकते हैं आपसे? जी जी। इनको आती है? चलिए, हम सबसे पहले तो आपसे सवाल करते हैं, कौमी सवाल, कि पाकिस्तान के पहले वज़ीर आला का नाम बताएं। वज़ीर आज़म का? वज़ीर आला भी वज़ीर आज़म क्या नाम है जी? लियाकत अली खान। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, तालियां जी। अब दूसरा सवाल, पहले गवर्नर जनरल का नाम बताएं पाकिस्तान। गलत हुआ। अब तीसरा सवाल ये है कि हिंद को आती है आपको? जी जी जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अचानक को इनको भी क्या कहते हैं? अचानक को एकदम एकदम गलत हुआ, एकदम ही बोलते। अच्छा, दूसरा सवाल आपसे ये है कि वक्त को हिंदी में क्या कहते हैं? टाइम। ये तो इंग्लिश का लफ्ज़ है। इंग्लिश में TIM टाइम होता है। ये टाइम टाइम ये टाइम क्या है? अच्छा, इनको कहा। चलिए, हम आपको आखिर में बताएंगे। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। आखिर में आपसे पूछते हैं, कोई ऐसा अच्छा सा शेर सुना दें। एक शेर सुनाता हूँ, ज़रा गौर से सुनना, जाओ मैं नहीं सुनाता किसी और से सुनना। तारिक हुसैन, ठीक है तारिक साहब। और आप? मेरा महफूजुल्ला नाम। महफूजुल्ला। तारिक साहब, आपसे सवाल करेंगे, ये पहले हो चुके हैं ना, आपने बोलना भी नहीं है। आप मुझे ये बताएं कि जो पहले गवर्नर जनरल हैं पाकिस्तान के, उनका नाम? कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। पाकिस्तान किसने बनाया था? पाकिस्तान तो कायदे आज़म ने बनाया, वो कायदे आज़म ने बनाया था लेकिन। अच्छा, ये बताएं कि पाकिस्तान के मौजूदा वज़ीर आज़म का नाम क्या है? मौजूदा तो शाहबाज शरीफ। चलें, शुक्र है। और मौजूदा सदर का नाम? आरिफ अलवी। ज़बरदस्त, तालियां। अच्छा, अब आखिरी सवाल नहीं करें क्योंकि आपको तो इनको नहीं आती। नहीं आती। कोस्तान से हैं? नहीं, गिलगित बल्तिस्तान। गिलगित बल्तिस्तान, पांचवा सूबा पाकिस्तान का। अच्छा, ये बताएं कि गिलगित बल्तिस्तान का जो सबसे बेहतरीन फूड है वो कौन सा है? फूड या फ्रूट? फूड बेहतरीन फूड नीलुशा। सब्जी है। नीलुशा नाम है उसका। ये क्या होता है? ये साग होता है। अच्छा, साग है, स्पेशल साग है। इसके साथ ताकत भी आती है? ताकत तो पता नहीं, टेस्ट आता है। टेस्ट आता है, बहुत ज़बरदस्त होता है। भी नहीं, लेकिन गोश्त पकते हैं? गोश्त बस सिर्फ साग ही होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा। आप पका सकते हो जिस तरीके से? मैं अब कैसे पकाऊँ, मुझे क्या पता है यार। आप आओ तो हम आपको पका खिलाएंगे। चले, आप उसमें गिलगित में कौन से एरिया में रहते हैं? चलास। ठंडी जगह? बहुत ठंडी जी। आपका नाम? मेरा नाम उमर है, मोहम्मद उमर। उमर बहुत प्यारा नाम है, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान के मौजूदा सदर का नाम क्या है? आरिफ अलवी साहब। ज़बरदस्त जी, इनको पता है जी। और दूसरा सवाल आपसे ये है कि पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल का नाम? लियाकत अली खान। ज़बरदस्त जी, गलत बताया आपने। गवर्नर जनरल ज़ियाउल हक साहब। फिर गलत बताया। अच्छा, तीसरा सवाल आपसे ये है कि 1965 में क्या हुआ था? जंग हुआ था। किसके साथ? इंडिया के साथ। कोई अच्छा सा शेर सुनाए सर। एक शेर है पश्तो में? नहीं, उर्दू में जी, सुनाए। और अलाम इकबाल साहब का है, तो कहते हैं कि अकाबिरूह जब बेदार होती है जवानों में, अकाबिरूह जब बेदार होती है जवानों में, नज़र आती है उनको अपनी मंजर आसमानों में। ज़बरदस्त। एक दूसरा शेर है, कहते हैं कि इश्क में जीत कर आने के लिए काफ़ी हूँ मैं, अकेला इसी ज़माने के लिए काफ़ी हूँ। ज़बरदस्त। मेरे हर हकीकत को ख्वाब समझने वालों, मेरे हर हकीकत को ख्वाब समझने वालों, मैं अकेला तुम्हारे नींद उड़ाने के लिए काफ़ी हूँ। ये तो इमरान खान बना दिए जी। अखबार का एक टुकड़ा हूँ क्या है अवकात मेरी, फिर भी अकेला इसी शहर को जलाने के लिए काफ़ी हूँ। माचिस? नो सर, बस टैलेंट है सर। यस, ज़बरदस्त जी। आगे। और कहता है कि मेरे बच्चों मुझे कॉल कर खर्च कर लो, यानी दिल कॉल कर खर्च कर लो, मैं फिर भी अकेले कमाने के लिए काफ़ी हूँ। ज़बरदस्त जी, तालियां। वो था हिंद को क्या हवाला से, हिंद को क्या हवाला से था अचानक।
अचानक को हम इनको में कहते हैं नुसापा, नुसापा कुछ हो गया, जिस तरह हम जुमला बोलते हैं नुसापा ऐसे कुछ हो गया, नुसापा यानी कि एकदम से, इसे हम अचानक कहते हैं इनको में नुसापा। और आखिरी जो सवाल था वो ये था कि वक्त, वक्त को इनको में क्या कहते हैं, तो वक्त को इनको में कहते हैं सैद, मैं खुद भी भूल गया हूँ सैद इसको हम बोलते हैं, जैसे हम इसको जुमला में बोलूँगा सैद कड़ी जात के कुछ हो गया, सैद कड़ी बिच समोसे खा के दिन, इस तरह के। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।